JEE physics. Four point charges, each of plus Q, are rigidly fixed at the four corners of a square planar soft film of side A. Each plus Q and square planar soft film. It's okay. Side A. The surface tension of soft film is y gamma alpha. हम टी मानते थे गामा अल्फा. द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड प्लैनर फिल्म आर इन इक्विलिब्रियम. सो नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो एंड ए इज दिस वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट देन एम इज इक्विलिब्रियम. में साइड इस फॉर्मेट में लानी है तब पता चलेगा कि एन क्या है. राइट स्टार्ट. इस पर ये जो फोर्स लगा रहा है वो इधर लगा रहा है, ये वाला इधर लगा रहा है और ये वाला इधर लगा रहा है. सिमिलरली इस पे ये वाला फोर्स उधर, ये वाला नीचे और ये वाला इधर. और ये कंफर्ट चार्जेस पे हो रहे हैं. अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो समझो सभी की बात कर रहे हैं, सब इक्विलिब्रियम में. इस पे जो ऊपरी तरफ फोर्स लग रहा है कुल मिलाकर वो यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है गम या सरफेस टेंशन. और टोटल लेंथ है ए प्लस ए टू ए. जब लिक्विड सरफेस होता है तो ए साइड है उसकी, पर अगर वो फिल्म है तो दो सरफेस हैं उसकी और लेंथ भी ए प्लस ए नीचे से ली जाती है. ये फोर्स इसको इसका एरिया मिनिमाइज करने के पर्पज से ऊपर फोर्स लगा हुआ है. नीचे कितना लग रहा है जिससे इक्विलिब्रियम में ये बैलेंस हो रहा है. तो ये फोर्स है इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस इसका भी कंपोनेंट काम करेगा. हाँ, इसका कोई योगदान नहीं. ओके, ये इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम ये गामा इंटू टू ए इजक्वल टू किससे बैलेंस कर रहा है. देखिए तो इन दो फोर्सेस, ये कौन से फोर्स है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये इक्वल है ये और प्लस इतना ही है इंटू टू. हो गया. अब इन दोनों के कंपोनेंट भी इधर जो काम कर रहे हैं प्लस ये जो फोर्स आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए ए ए अंडर रूट यानी टू ए स्क्वायर. ये फोर्स ये लगेगा, ये ए अंडर टू है दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ए अंडर टू का स्क्वायर टू ए स्क्वायर. ये फोर्स इसका कॉस 45 कॉस 45 इसका ये वाला कम इतना इसका भी आएगा इंटू टू. लो बाकी इसका कोई योगदान नहीं है इसको नीचे लगाने में और इनके जो साइन कंपोनेंट है उसका भी कोई योगदान नहीं. तो ये टोटल फोर्स पे नीचे लग रहा है और ये फोर्स पे ऊपर लग रहा है, दे आर इन इक्विलिब्रियम. बस इसको प्रोसीड करो, क्यों ये कार्यवाही इसके लिए भी होगी इसके लिए भी होगी इसके लिए भी होगी. बस इसको प्रोसीड करके ए को निकाल दीजिए कितना, बस हो जाएगा काम. चलिए जी, टू गामा ए इज इक्वल, देखिए टू कॉमन है क्यू स्क्वायर कॉमन है अपॉन फोर पाई, देखा जाए तो
बस ये आ रहा फालतू, कोई बात नहीं। टू क्यू स्क्वायर फॉर मिसल नॉट ए स्क्वायर, टू क्यू स्क्वायर फॉर मिसल नॉट ए स्क्वायर, तो वन बताओ से, टू क्यू स्क्वायर फॉर मिसल नॉट ए स्क्वायर, टू अंडर रूट, टू अंडर रूट टू फालतू आएगा बस, टू से टू कैंसिल और मैं ए रहा, तो ए स्क्वायर ये इधर ले, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट गम वन प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट टू, सो ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन गामा, क्यू स्क्वायर अपॉन गामा के अलावा ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ओके नेम दीजिए इसको, एक कॉन्स्टेंट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन गामा, सो ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसने के कह दिया तो आप कुछ और लिख दीजिए, के डैश कर दीजिए, तो के डैश पावर वन बाई थ्री जो कि नया कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर अपॉन गामा पावर वन अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट जिसको के कह रहा है, और क्यू स्क्वायर अपॉन गामा पावर वन बाई थ्री, सो एन इज थ्री, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स ओके।